हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो कई सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी जो आपको सिंगल क्लिक में आप अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, कलर ग्रेड कर सकते हैं। और जो भी लाइट रूम के अंदर कलर ग्रेडिंग होती है, जो कलर साइंस है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि इसको एडोबी ने बनाया है और जो कि प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर को भी बनाती है। तो आज का ये वीडियो एक कोर्स होने वाला है लाइट रूम का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो को 1.25x पे देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे। तो अभी चलते हैं हम स्क्रीन पे और सीखते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन को। तो गाइस, हम यहाँ से ओपन करते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन को। यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला तो गैलरी का है, यहाँ पे गैलरी खुला हुआ है। उसके बाद है लाइट रूम का, यहाँ पे जो भी इमेज आप एडिट कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे वो दिखेंगी। और उसके बाद ये ऑप्शन है कम्युनिटी का, यहाँ पे कई सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी ट्यूटोरियल देखना है, फिर किसी को फॉलो वगैरह करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे रिमिक्स वगैरह चीजें दी गई है। मेरा भी इंटरनेट काफी स्लो चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे चीजें दिख नहीं पा रही है। जिस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आप ये लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो यार, आने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन है प्रीसेट का, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ढेरों प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। पहला यहाँ पे ऑप्शन है योर्स का, यानी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का है कई सारे प्रीसेट। जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट लैंडस्केप में कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं इंटेंसिटी कम या फिर ज्यादा चाहते हैं। हालांकि प्रीसेट के अंदर यहाँ पे एक प्रीमियम का ऑप्शन है, अगर आपका नॉर्मल ये एप्लीकेशन है तो इसमें प्रीमियम वाला ऑप्शन नहीं चल पाएगा। और यहाँ पे एक रिकमेंडेड का ऑप्शन है, इसके लिए आपको साइन इन करना होगा। तो अगर आप साइन इन करते हैं तो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ऐसे ही ढेर सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि विंटेज अगर आपको चाहिए या फिर फूड वगैरह कंसर्ट, अगर आप कोई भी कॉन्सर्ट में गए हैं, फूड, अगर आप किसी भी टाइप के इमेजेस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप प्रीसेट के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, इसके अंदर बहुत ढेर सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस कलर ग्रेडिंग करना है, आपको अपने अकॉर्डिंगली कस्टम कलर ग्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, ताकि आपको एक एडवांस कलर ग्रेडिंग अपने कस्टम तरीके से कर पाए। यार, अब हम अपने दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्रॉप का। यहाँ से हम देखेंगे कि इमेज वगैरह को हम क्रॉप कैसे कर सकते हैं। के अंदर जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है एस्पेक्ट का। एस्पेक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं, यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट रेशियो दिए गए हैं, जैसे कि आप 2:1 का चाहते हैं या फिर 3:2 का। और एस्पेक्ट के बाद यार जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्ट्रेटन का। इसके अंदर अगर हम आते हैं तो ये क्या करता है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इमेज को क्या करता है, पूरी तरीके से स्ट्रेट कर देता है। तो यहाँ पे इस जगह आपको दिख रहा होगा 0.54 डिग्री, राइट, यहाँ पे। तो इसका मतलब इस एप्लीकेशन ने अपने AI की हेल्प से मेरे इस इमेज को स्ट्रेट कर दिया है, और आप भी अपना इमेज यहाँ से स्ट्रेटन कर सकते हैं। AI की हेल्प से ये सब करता है। तो हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, जो ही रोटेशन का। आप यहाँ से अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। और यहाँ से आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे आप फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं। लेट से आप कोई अल्ट्रावाइड इमेज लेते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो पर्सपेक्टिव है आपका उतना करेक्ट नहीं आ पाता। तो वहाँ पे उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। और उसके नीचे यार यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, ये वाला। इसके अंदर ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। तो यार, इसके अंदर आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन है ऑटो का। ऑटो पे अगर आप रखेंगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन इसके अंदर कई सारे और ऑप्शन है। यहाँ पे एक लेवल का है, वर्टिकल है, फुल है, तो आप जो भी चाहें उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। तो यार, क्रॉप के अंदर लगभग जितने भी फीचर्स थे हमने उनकी बात कर ली। अभी हम चलते हैं एडिट के अंदर। एडिट जो है यार वो सबसे बड़ा ऑप्शन है, के अंदर ढेरों फीचर्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये ऑटो का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो आप ऑटो को इनेबल ना करें। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये लाइट का। पहला ऑप्शन है एक्सपोजर का। अगर आप एक्सपोजर जो होता है, यानी जो इमेज में लाइट होती है, कंप्लीट लाइट, ओवरऑल लाइट जिसे हम बोलते हैं, उसे आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कुछ तरीके से कर सकते हैं। और इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का बेसिकली मतलब ये होता है, जो हाईलाइट है वो और हाईलाइटेड हो जाएगा, और जो डार्क एरिया है वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, जो डार्क एरिया है और डार्क हो जा रहा है, और जो बादल है वो और ज्यादा लाइट अप हो जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो आप कॉन्ट्रास्ट अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप हाईलाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी जो यहाँ पे बादल आपको दिख रहे होंगे ये सब, आप अगर इसमें हाईलाइट को कम करना चाहें तो इस तरीके से कम कर सकते हैं, या फिर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आप यहाँ से शैडो को, जैसे ये यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे शैडो है, ठीक है, अगर आप शैडो को कम करना चाहें तो यहाँ पे कम कर सकते हैं, हल्का सा मैं इंक्रीज कर देना हूँ। उसके बाद आप जो इमेज में व्हाइट पॉइंट है उसे और ज़्यादा व्हाइट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप ब्लैक भी बढ़ाया घटा सकते हैं। तो अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे कर्व का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर कलर को इमेज में इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रास्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इमेज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है तो उसे आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से, राइट। अगर मैं चाहता हूँ यार कि इमेज में जो ग्रीन कलर है वो और बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे तीन पॉइंट बनाता हूँ। यह है मिड टोन, लेकिन ये जो ऊपर वाला है यह है हाईलाइट, इस तरीके से आप देखिए। अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो ये हाईलाइट में ग्रीन पार्ट को बढ़ा देते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं यह है जो शैडो है वो, अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, जो शैडो में ग्रीन है
वो बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे रेड भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसे बैक आ गया हूँ, तो एडिट के अंदर जो लाइट का ऑप्शन था ये हमने देख लिया, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे। और अभी जो तीसरा ऑप्शन है ये है कलर का, तो इसके अंदर आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है उसे मैं डिक्रीज कर दूँ, तो आप यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं, कूल टोन ला सकते हैं अपने इमेज के अंदर। यहाँ से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके जो समर लुक है वो भी ला सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको टिंट का ऑप्शन दिख जाता है। आप टिंट का बेसिकली मतलब ये होता है जो ग्रीन कलर होता है और जो मैजेंटा कलर होता है उनके बीच आप अपने इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टिंट को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो आपका जो इमेज है वो ग्रीनिश हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैजेंटा को इंक्रीज करते हैं यानी टिंट को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वो मैजेंटा जो कलर होता है उनकी ओर शिफ्ट हो जाएगी आपकी इमेज। यहाँ पे यार एक ऑप्शन है वाइब्रेंस का। वाइब्रेंस बेसिकली क्या करता है, हमारे इमेजेस में जो भी कलर कम होते हैं उन्हें एडजस्ट करके एक सेम लेवल पे ला देता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन जो रेड कलर है वो काफी डल लग रहा है। अगर मैं वाइब्रेंस को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे जो रेड कलर है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा लेकिन ग्रीन कलर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर हम सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं यार तो ये ओवरऑल कलर को बढ़ा देता है, जैसे आप ग्रीन रेड सबको बढ़ा देगा। लेकिन वाइब्रेंस क्या करता है, जो भी कलर कम है उनको इंक्रीज करके सेम लेवल पे ला देता है सारे कलर्स को, राइट। और यहाँ से यार आप लोग ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस है उसे आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक कलर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेट्स से चाहता हूँ जो ग्रीन कलर है उसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ डिक्रीज करना तो मैं यहाँ से डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो जो ह्यू है ये बेसिकली क्या करता है, ये ग्रीन कलर को येलो में बदल देता है अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूँ। लेकिन उसी सेम जगह अगर मैं सैचुरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो जो ग्रीन की इंटेंसिटी है वो बढ़ाता है, वो कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है। ग्रीन को किसी अलग कलर में नहीं बनाता है, बट जो यहाँ पे ल्यूमिनेंस है ये क्या करता है, जो ओवरऑल लाइटिंग है जैसे ग्रीन कलर है ग्रीन की जो लाइट है इस तरीके से उसे इंक्रीज कर देगा या फिर आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, जो ह्यू है वो बेसिकली क्या करता है, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक कलर को चूज करेंगे तो ये क्या करता है उस कलर को चेंज कर देता है किसी दूसरे कलर में अगर मैं उसे बढ़ाता या फिर घटाता हूँ। लेकिन सैचुरेशन का काम ये होता है कि वो स्पेसिफिक कलर को उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, और अगर मैं ल्यूमिनेंस को बढ़ाता या घटाता हूँ तो उस कलर में जो लाइटिंग है उसको इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है उस लाइट को, ठीक है। और अगर हम नीचे हैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है ऊपर दिख रहा हूँ, ये शैडो का है आप यहाँ पे देख सकते हैं शैडो। अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर डालता हूँ कुछ इस तरीके से तो जो शैडो है आप देखिएगा, अब यहाँ पे पेड़ के नीचे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो शैडो में क्या होता है जो ब्लू कलर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं ग्रीन बढ़ाता हूँ शैडो में तो जहाँ जहाँ शैडो है वहाँ पे ग्रीन हो जाता है, राइट। और मिड टोन को छोड़ के अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे ब्लू हो जा रहा है, लेकिन जो डार्क पार्ट है यानी जो शैडो एरिया है वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और जो मिड टोन का मतलब क्या होता है यार, जो शैडो है और जो हाईलाइटेड एरिया है इनके बीच का जो पार्ट होता है उसे मिड टोन कहते हैं। अगर मैं यहाँ से ग्रीन भी बढ़ाता हूँ तो जो मिड टोन है वहाँ पे ग्रीन भी बढ़ जाएगी, अगर मैं ब्लू बढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ब्लू ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यार कलर के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे उन सब के बारे में हमने बात कर ली है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे ब्लर के ऑप्शन में। तो ब्लर के ऑप्शन में क्या है यार, बेसिकली आप इमेज को इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं या फिर अपने इमेज का जो बैकग्राउंड है यानी कि जिस इमेज में कोई सब्जेक्ट है उसका अगर आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से यार जो अगला ऑप्शन है ये है इफेक्ट का। तो जो इफेक्ट के अंदर ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप इमेज में टेक्सचर बढ़ाना चाहें, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ से टेक्सचर में बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से आप क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और नीचे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डीहेज का, तो बेसिकली डीहेज क्या करता है यार, ये कॉन्ट्रास्ट और क्लैरिटी के बीच का पार्ट होता है। अगर मैं डीहेज को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा इमेज में बढ़ जा रहा है और क्लैरिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो डीहेज को बेसिकली हम क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट के बीच का पार्ट बोल सकते हैं। यहाँ से ग्रेन का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने इमेज में ग्रेन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ओल्ड टीवीज वगैरह में ग्रेन आपको दिखने को मिल जाएगा अगर आप कुछ दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से। अभी हम चलते हैं डिटेल के अंदर। तो डिटेल के अंदर यार हम शार्प कर सकते हैं इमेज को, अगर हम चाहते हैं हमारी इमेज काफ़ी ब्लर्ड आउट है तो हम यहाँ से शार्प कर सकते हैं इमेज को, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इमेज को काफ़ी क्लियर दिखेंगे। और जो शार्पनेस की रेडियस है उसे भी हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, डिटेलिंग और ज़्यादा बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपने रात को कोई भी इमेज क्लिक की तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है तो वहाँ पे आप यहाँ से नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाया घटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कलर नॉइज़ आता है, हमारा जो कलर होता है यार कभी कभी क्या होता है, हम दिन में अगर इमेजेस लेते हैं तो उसमें कलर के अंदर भी नॉइज़ आ जाता है, तो उस केस में यार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उस कलर के अंदर से भी नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। और यार इस वीडियो का बेसिकली फोकस मेरा ये था कि आप लोगों को जो टूल्स हैं इसके अंदर वो सारा समझा दिया जाए। तो एडिट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मास्किंग को। मास्किंग के अंदर ढेरों आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला है ब्रश का ऑप्शन। तो अगर मैं ब्रश से मास्क करता हूँ किसी भी इमेज की स्पेसिफिक पार्ट को, जैसे नीचे ग्रीनरी है राइट, मैं इसे पूरा मास्क करता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ से
सिलेक्शन का कर लूंगा और मैं यहाँ पे अपना कोई भी स्पेसिफिक कलर वगैरह यहाँ से मैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता हूँ। केवल उसी एरिया में आप लोग देख पाएंगे तो एडिट होगा, लाइक उसी एरिया में केवल कलर चेंज होगा जहाँ पे आप मास्किंग किए रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मास्किंग की दूसरे ऑप्शन है जो कि यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट। ये बेसिकली क्या करता है, लेट्स से स्काई वगैरह को कुछ इस तरीके से मास्किंग करना चाहूँ। ये बेसिकली तब यूज आप कर सकते हैं जैसे जहाँ पे जो आपका स्काई है वो काफी स्ट्रेट, जैसे कि आप अगर कोई समुद्र वगैरह के सामने इमेज वगैरह क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो स्काई है वो काफी स्ट्रेट आउट रहता है, तो वहाँ पे आप इस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यार अब जो मास्किंग में अगला ऑप्शन है वो है रेडियल ग्रेडियंट का। रेडियल ग्रेडियंट बेसिकली तब यूज होता है जब सब्जेक्ट में हमारे कोई इंसान वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन कर देगा रेडियल में, यानी कि राउंडनेस के साथ, या फिर आप ओवल शेप भी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी आप कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और जो अगला ऑप्शन है मास्किंग के अंदर, यहाँ से कलर रेंज का, अगर आप कलर रेंज जैसे ग्रीन है राइट, मैं यहाँ से कलर रेंज ले लेता हूँ ग्रीन का। मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप रिफाइनमेंट और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर है वो आप और ज़्यादा ले सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये सिलेक्शन हुआ है। और इसके अंदर अगला जो ऑप्शन है वो है ल्यूमिनेंस का। आप ल्यूमिनेंस एंड जो भी लाइट है केवल ये हाईलाइटेड पार्ट को ही लेगा। अगर मैं इसे और ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ तो डार्क एरिया है वहाँ पे भी लेने लगेगा, लेकिन मुझे केवल हाईलाइटेड जो एरिया है केवल वहीं पे एडिट करना है। और आप कोई भी चेंजेस अगर करते हैं, लेट्स से मैं कलर को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करता हूँ यहाँ से, या फिर सेचुरेशन इंक्रीज करता हूँ, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगला ऑप्शन है ये हीलिंग का। ये बेसिकली तब यूज होता है जैसे कि इमेज में कोई अनवांटेड एरिया है, जैसे इमेज है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे आपको टॉवर दिख रहा होगा, मैं ऐसे ब्रश का साइज डिक्रीज कर दे रहा हूँ, मैं इसे हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इस ब्रश को अप्लाई करता हूँ, अगर तो कुछ देर में क्या करता है AI की हेल्प से हटा देगा। 3-4 बार करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा जो भी वायर वगैरह है अगर हटाना चाहें। हीलिंग के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है क्लोन का। क्लोन का मतलब ही ये होता है, अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ले सकता हूँ उसका साइज कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ से ब्रश साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा ही लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे फेदर को बढ़ा दे रहा हूँ और आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। नीचे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप अगर एक्सपोर्ट में फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओरिजिनल, TFT, DNG, AVIF, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर जितने भी फीचर्स थे मैंने सारा बता दिया है आपको। तो गाइज ये था लाइटरूम एप्लीकेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, कई सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।